सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास भी HDFC का बैंक अकाउंट है और आप HDFC बैंक अकाउंट का जो डेबिट कार्ड होता है, उस डेबिट कार्ड की मदद से आप EMI पर मतलब ऑनलाइन मोबाइल बाई कर रहे थे और उसको बाई भी कर लिए थे सक्सेसफुल, आपका डेबिट कार्ड EMI की मदद से आप मोबाइल ऑर्डर हो भी गया था और इन फ्यूचर आप किसी भी कारणवश अपने मोबाइल को यानी ऑर्डर को कैंसिल कर दिए थे और कैंसिल कर देने के बाद आप जा रहे हैं अपने नेट बैंकिंग में, जब चेक कर रहे हैं मोबाइल बैंकिंग में HDFC मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है, आप उसको ओपन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको वहां पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यानी वहां पे आपको EMI इंस्टॉलमेंट जनरेट हो चुका है, वहां पे बोला जा रहा है आपको इतने डेट के अंदर आपको EMI बैलेंस को पे करना होगा। अगर आप उस डेट के अंदर पे नहीं करेंगे तो आपको DA बैलेंस भी आपको मतलब पेनल्टी के तौर पर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, काफी लोग परेशान है, काफी लोग कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि क्या हम वहां पर ऑर्डर को कैंसिल कर दें, उसके बाद भी हमें EMI का जो प्लान है वो पे करने होंगे, EMI का जो इंटरेस्ट वो भी देने होंगे। ये सारा कुछ आज आपको इस वीडियो के अंदर डाउट क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो मेरे साथ भी हो चुका है, तभी आपको ये सारा डाउट मैं यहां क्लियर करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहां मैं आपको कस्टमर केयर से बात करके दिखाऊंगा कि कस्टमर केयर वाले ने क्या बोला, मैं ये सारे क्वेश्चन उनसे मैं किया तो सारे क्वेश्चन क्या क्या आंसर दिए हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अकील और टेक फॉर अ डे चैनल में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप डेबिट कार्ड की मदद से लोन पर कोई प्रोडक्ट को बाय करके कैंसिल कर दिए हैं तो क्या आपको वहां पे उसका EMI मतलब हर महीने देने होंगे, उसका इंटरेस्ट चार्ज देना होगा। काफ़ी लोग वहां पे कर चुके हैं, मतलब ऑटोमेटिक उनके अकाउंट से डेबिट भी हो चुका है और काफ़ी लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं, क्या ये मतलब इसका जो रूल एंड रेगुलेशन है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं अपने HDFC एप्लीकेशन को ओपन करके मैं दिखाता हूँ, मैं भी यहाँ पर डेबिट कार्ड पर लोन ले चुका हूं, तो मैं भी यहां पे ओपन करके आपको दिखाता हूं कि किस बैलेंस को आपको पे करना होगा, कौन कौन से बैलेंस को पे नहीं करना है। चलिए मैं यहां पे लॉगिन कर लेता हूं सक्सेसफुली। जैसे फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में 3 लाइन के ऑप्शन पर पहले क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल सेक्शन ओपन होकर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा पे के नाम से। जस्ट आप पे वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कार्ड, जस्ट कार्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि मेरे यहाँ पर 2 बैलेंस मतलब 2 लोन जनरेट हुए हैं, पहला है या यहाँ पर सेकंड है। तो मैं यहाँ पर पहले लोन को क्लिक करके आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़े अच्छे से यहाँ पर समझिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेबिट कार्ड EMI लोन यहाँ पे शो हो रहा है और मेरे यहाँ पे अकाउंट के मतलब लोन के यहाँ पे लास्ट के 4 डेट शो हो रहे हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए आउट स्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे 0 दिखा रहा है, बट यहाँ पे रिमाइंडिंग क्रेडिट देखिए 8,949 रुपये दिखा रहे हैं और अनबिल्ड अमाउंट यहाँ पे 0.00 दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, देखिए यहाँ पर जो मेरा आउट स्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा था ये मेरा पहले दिखा रहा था 242। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट डेबिट कार्ड EMI पर लोन डेबिट कार्ड EMI लोन पर कोई प्रोडक्ट को बाई करके कैंसिल कर दिए थे तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं आपसे कोई भी इंटरेस्ट और कोई भी EMI प्लान देने मतलब EMI आपको चार्ज वहां पे और पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो और बात करते हैं फ्रेंड्स, जो लोगों को ऑटोमेटिक बैलेंस कट चुका है उनको क्या होगा, क्या वो पैसा रिफंड आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वो बैलेंस जो कट चुके हैं तो आपको घबराना नहीं है, नहीं आपको ब्रांच में जाना है, नहीं आपको कस्टमर केयर में कॉल करना है, वो बैलेंस ऑटोमेटिक आपको रिफंड आ जाता है। बट इसका जो रूल है ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आप EMI पर जैसे मान लीजिए आप डेबिट कार्ड लोन पर कोई प्रोडक्ट को बाय कर लिए तो वो जो उसका जो वो जो प्रोडक्ट का जो बैलेंस है यानी जो जितने का प्रोडक्ट है उसका जो टोटल का टोटल अमाउंट जो है वो आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट उसको पे करता है, चाहे फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट बाय किए चाहे अमेजन से, वो डायरेक्ट आपका बैंक उसको पैसा दे देते हैं। और जब आप उस प्रोडक्ट को कैंसिल करते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है कि वो जो फ्लिपकार्ट है वो आपके बैंक को देने में अमाउंट 1 मंथ भी 15 दिन या 14 दिन या 1 मंथ से ज़्यादा भी लगा देता है टाइम, और जब तक उसको बैलेंस नहीं देता है तब तक आपसे HDFC जो है इंस्टॉलमेंट लेता रहता है और आपका इंटरेस्ट चार्ज भी वहाँ पे करना पड़ता है। बट घबराना नहीं फ्रेंड, जिस दिन वो बैलेंस वो आपके अकाउंट को देगा, जैसे फ्लिपकार्ट से आप लिए हैं कोई प्रोडक्ट और कैंसिल कर दिए, वो बैलेंस उसको जैसे रिफंड करेगा उसी को उसे सारा पैसा आपको फिर रिफंड कर दिया जाएगा। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, जो भी आपको फर्स्ट में जैसे आप EMI लिए हैं, जिस EMI लोन ले लिया डेबिट कार्ड से, तो आपको जो फर्स्ट का जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे, चाहे आप प्रोडक्ट ले या चाहे न लें, चाहे आप कैंसिल भी क्यों ना कर दिए हैं, बट आपको प्रोसेसिंग जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे खुद दिया हूँ 242 का, मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज पे किया हूँ, मेरा दोनों लोन को मैं पे करना पड़ा मुझे, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम पे करने पड़ेंगे, चाहे आप प्रोडक्ट लिए हो या कैंसिल कर दिए, चाहे कुछ भी किए हो, आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। बट अगर आपके अकाउंट से मतलब EMI कट चुके हैं, आपके अमाउंट से 3,000-4,000 रुपये ऑटोमेटिक डेबिट हो रहे हैं हर मंथ, तो घबराना नहीं फ्रेंड्स, सारे के सारे पैसे आपको रिफंड मिलेंगे, बट आपको वेट करना होगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत भी नहीं है। कहीं भी आप कॉल करेंगे तो सभी लोग यही बोलेंगे, ऐसे मैं कस्टमर केयर से बात करके कॉल रिकॉर्डिंग भी रख के मतलब करके रखा हूँ। अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा। मैं कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ भी सुना सकता था फ्रेंड्स, बट उसका जो वॉइस है थोड़ा कम है, तो मैं इंस्टाग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप थोड़ा अपने मोबाइल का वॉल्यूम को बढ़ाकर सुन सकते हैं। बट आपको डरना नहीं है फ्रेंड्स, आपको EMI पालना मतलब जो भी आप कटवा रहे हैं कट रहा है आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक, वो सारे के सारे रिफंड आ जाएंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। बट आपको प्रोसेसिंग चार्ज एक बार देना होगा, फर्स्ट टाइम आपको प्रोसेसिंग चार्ज वो देने ही पड़ेंगे, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, आपको खुद से पे नहीं करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।